I've been giving you the worst of me. Now you wanna stay the night. Pity how you work hard for me, but forgetting how to talk. Now I don't like no humble bitch. तो भैया जी ये है हमारा सैमसंग Z Flip 3 जिसको हम ऑलमोस्ट 2 महीने से यूज कर रहे हैं। हमने सेकेंड हैंड इसको बाय किया था और जब हमने इसको खरीदा था तब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे और बहुत एक्साइटमेंट भी था कि हम एक बहुत ज्यादा यूनिक फोन लेने जा रहे हैं। मतलब हमारे फील्ड में कोई भी इस टाइप का फोन यूज नहीं करता है जो कि प्रॉपर फ्लिप हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा फोन था और अभी भी है। लेकिन इस फोन को लेने के बाद हमको बहुत सारी चीजें पता चली है और फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि दिस फोन इज नॉट अ प्रैक्टिकल फोन। मतलब आपको सेकेंडरी फोन रखना है, आप गैजेट्स के बहुत ज्यादा शौकीन हो, आपके पास मल्टीपल फोन्स होते हैं, तब आपके लिए फोन अच्छा है। बट आपको अगर इसे एक प्राइमरी फोन की तरह यूज करना है तो दिस इज नॉट फॉर यू एंड दिस इज नॉट फॉर मी। अब इसके पीछे रीजन ये है कि हम एक ऐसे पर्सन है जो अपने फोन को एक फोन से ज्यादा उसको एक कैमरे के रूप में यूज करते हैं, चाहे फोटोज हो चाहे वीडियोज के लिए हो, किसी भी वेदर में शूट करना, चाहे वो ठंड हो गर्मी हो बरसात हो, किसी भी कंडीशन में शूट करना। और इस चीज में फोन का जो कैमरा है, कैमरा तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन वैसे सब सिचुएशन में हमको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बिकॉज दिस इज अ फोल्डेबल फोन, इसमें बहुत सारे अलग अलग मैकेनिक्स लगे हुए हैं, लाइक ये वाला हिंज जो है, तो ये सब चीज के कारण हम इसको ना डस्ट में ले जा सकते हैं। कंपनी वाटर रेटिंग देती है इसकी बट अपन विश्वास नहीं रखते, तो हमने सोचा है कि इस फोन को हम बेचेंगे एंड दूसरा फोन लेंगे। ये है हमारा नया नवेला फोन सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus, और इस फोन को लेने के पीछे बहुत सारे रीजन है लेकिन जिसमें से हम कुछ रीजंस के बारे में आपको बताते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है इस फोन का कैमरा। हालांकि इस फोन के कैमरे से S22 Ultra का कैमरा है बट वो हमारे बजट के थोड़ा सा बाहर जा रहा था, तो हमने ये वाला फोन परचेज किया सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus। एंड इस फोन का कैमरा खासकर की पोर्ट्रेट मोड इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आपको इसके पोर्ट्रेट मोड का रिजल्ट देखना है ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे पूरा हमने भर दिया है। और इसका जो रॉ मोड है, कैमरा रॉ मोड, वो तो नेक्स्ट लेवल है, बहुत अच्छी डायनेमिक रेंज देता है। मतलब एडिटिंग के लिए हम तो बहुत सारी चीजें छेड़ सकते हैं एंड इसका वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। 4K अपन 60fps वाइड एंगल में अपन मस्त वीडियो बना सकते हैं, स्लो मोशन भी अच्छे बना सकते हैं, स्टेबलाइजेशन भी अच्छे है। सेकेंड रीजन है सैमसंग का फोन एंड इसका One UI, और इसका जो सैमसंग का जो One UI जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला है वो सॉफ्टवेयर से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। I love Samsung phone and I love One UI. ये मेरे Windows PC के साथ बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। iPhone के टाइप नहीं है कि iPhone में जो अपन इकोसिस्टम बना के रखते हैं उस टाइप का नहीं है, लेकिन मेरे फोन के साथ और मेरे फोन और मेरे PC के बीच इतनी अच्छी फ्रेंडशिप तो हो गई है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, मेरे को छोटे मोटे काम के लिए वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस चीज के बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन भाई लोग सीन कुछ ऐसा है कि हमने ये फोन ले तो लिया लेकिन हमको करना था इसको टेस्ट, वो भी एकदम अच्छे से रगड़ के। हम इसको चार दीवारी में तो कर नहीं सकते ना, तो कहीं घुमा जाए और कुछ ब्लॉग वगैरह बनाया जाए इस फोन के थ्रू। हम हो गए हैं रेडी एंड अभी हम अब निकलते हैं बिलासपुर के लिए। तो भैया हम पहुंच गए हैं बिलासपुर, और हम बिलासपुर पहुंच के अपने होटल वोटल ले लिया एंड जो भी हमारा काम था बिलासपुर का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम थोड़ा कहीं घूमने जाने वाले हैं और वहां जाके इस हमारे नए प्यारे फोन को टेस्ट करेंगे, लो लाइट में, डे लाइट में, पोर्ट्रेट, वीडियो, सब तरीके से अपन इसको आज टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना अच्छा परफॉर्म ये फोन करता है। ठीक है,
उसके बाद रात में हम निकल गए पास के मैग्नेटो मॉल में, और मॉल में जाके हमने अपना रात का डिनर किया, बहुत सारे फोटोज वीडियोज लिए, हमने उस रात को बिलासपुर सिटी को भी एक्सप्लोर किया। तो भैया जी अभी बज गए हैं शाम के 6:30 एंड अभी आज तो कहीं जाने का ऐसा प्लान है नहीं, जो भी है कल सुबह है, सोच रहे हैं कि थोड़ा हम सिटी एक्सप्लोर कर ले, मॉल वगैरह घूम लेते हैं, एंड जो भी प्लान है जो भी वीडियो वगैरह फोटो वगैरह का मैं थोड़ा सा एक सिनेमैटिक टाइप का सीक्वेंस सोचा हूँ, लेकिन वो कल बनेगा, और कौन सी लोकेशन में बनेगा वो आपको कल सुबह ही पता चलेगा जब मैं वहां जाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो। सुबह होते ही हम निकल गए हमारे डेस्टिनेशन से 25 से 30 किलोमीटर दूर रतनपुर के लिए, जहाँ माँ माया मंदिर है, माँ माया देवी का जो धाम है, और वहाँ हमने दर्शन वर्शन किए एंड इस फोन को बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से हमने टेस्ट किया है। हमने इस फोन से ही बहुत सारी चीजों को और लगभग सभी चीजों को फिल्माने का कोशिश किया है। Yeah.